दोस्तों, आज के स्टूडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने पुराने क्रेडिट कार्ड, यानी आपके पास एक ऐसा कोई भी क्रेडिट कार्ड होगा जिसकी लिमिट आप लोगों की इंक्रीज नहीं हुई है, या 20-25 हज़ार रुपये की लिमिट है और आप लोग नए कार्ड के लिए अप्लाई कर करके थक गए, लेकिन आपको नया कार्ड नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को नए कार्ड कैसे लेना है वो बताने वाला हूँ। यानी इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊँगा कैसे आप लोग नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, उसमें आप लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा आप लोगों को इसकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट रहेगी वो भी आप लोगों को इन्हांसमेंट देखने को मिलेगी और बहुत कुछ आप लोगों को इस क्रेडिट कार्ड के साथ मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना है स्टार्ट से लेकर आखिर तक विदाउट स्किप किए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पवार और आप देख रहे हैं विनोद द डिजिटल इन्फ्लुएंसर। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, आप आ चुके हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे और आज को आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई करोगे और उसके आप लोगों को अच्छी खासी बेनिफिट मिलेगी। आप लोगों को जो लिमिट है वो इंक्रीज करके मिलेगी, आप लोगों को ज़्यादा क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलेगी जो आपके पुराने क्रेडिट कार्ड रहेगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को मेरी ओर से मिलेगा 700 रुपये तक का, यानी 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक का कैशबैक। जैसे आप लोगों को कार्ड मिल जाता है, आप लोगों को कार्ड घर पर डिलीवर हो जाता है, उस बात आप लोगों को मेरी ओर से मिलेगा ये रिवॉर्ड। तो आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है, इस वीडियो में प्रोसेस बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, कौन सा क्रेडिट कार्ड है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो की जर्नी का लाभ उठाइए और अपना बेनिफिट कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ है आप लोगों के पास AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्रेडिट कार्ड, जिसे हम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्वाइप अप क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, जो आप लोगों को अनदर कार्ड से नए कार्ड में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है। ओके, तो इसकी जो कुछ बेनिफिट्स होगी वो मैं आप लोगों को बता दूं। आप देख सकते हो बेनिफिट्स यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि इसमें आप लोगों को 0 ज्वाइनिंग फी और 0 आप लोगों को यहाँ पर जो ज्वाइनिंग फी रहेगी वो आप लोगों को 0 रहेगी, उसी के साथ साथ जो रिवॉर्ड रहेगा वो हायर पॉइंट आप लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आप लोगों को जो फीचर्स है वो वैल्यू एडेड फीचर्स मिलेगा। आप लोगों को जो आपके एग्जिस्टिंग बैंक के क्रेडिट कार्ड हो गए उससे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे फीचर्स मिलेगी, उसी के साथ साथ जो इसके की पॉइंट में आप लोगों को कुछ फीचर्स है जो बेनिफिट है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप लोगों को हायर क्रेडिट लिमिट और हायर कैशबैक के ऑफर्स इस कार्ड के ऊपर दिया जाएगा, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऐसा क्रेडिट कार्ड होने वाला है। उसी के साथ साथ आप देख सकोगे इसके एक इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आप लोग न्यू AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर होना चाहिए, आपके पास इनका कोई भी पुराना प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि AU स्वाइप कार्ड के लिए आप लोगों को अवेलेबल किसके लिए रहेगा, जिसके पास ऑलरेडी अनदर बैंक का क्रेडिट कार्ड रहेगा, जो दूसरे बैंक का, यानी आपके पास कौन से भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो लेकिन होना चाहिए, लेकिन AU का नहीं होना चाहिए, आप AU में नए होने चाहिए और दूसरे बैंक का आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ये तीन चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसके टर्म्स एंड कंडीशन में आता है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो दोस्तों बता दूँ, इसके लिए एलिजिबल वही बंदे रहेंगे जिनका एज 21 साल या उससे ज़्यादा रहेगा, उसी के साथ साथ जिसकी इनकम रेट 20 हज़ार या उससे ज़्यादा की इनकम रेंज होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ आप लोगों के यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आ सकती है, जिसमें आप देख सकते हो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ, ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ये क्राइटेरिया किन लोगों के लिए, जो सैलरीड पर्सन है जिनकी सैलरी आती है। तो दोस्तों अभी हम जो इंडिविजुअल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके बारे में बताएंगे जो जॉब करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी भी जो इंडिविजुअल या बिजनेस ओनर है उनका यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स एंड अबव है। उसी के साथ साथ इनकम रेंज आप लोगों की एक रेगुलर इनकम सोर्सेस होनी चाहिए जो वहाँ पे इंडिकेट करता है, और उसी के साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर सेम है, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ। इसमें इनकम प्रूफ में आप लोगों को एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल रिसेंट ITR और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो जिसमें आपका इनकम इंडिकेट करे वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को सबमिट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो, यू मस्ट बी एन इंडियन रेसिडेंट। ओके, यानी आप इंडियन होना चाहिए, आपके पास एग्जिस्टिंग बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और आपका क्रेडिट लिमिट 720 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस में आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों के लिए मैंने एक लिंक शेयर की है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसकी लिंक देखने को मिलेगी। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आप लोगों के पास ये प्रोसेस आ जाएगा, जिसमें आप लोगों को अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहला स्टेप आप लोगों को बोला जा रहा है, जिसमें आप लोगों को आपका आधार, आपका पैन नंबर और आपका मोबाइल नंबर देने के बाद OTP वेरीफाई करना है और OTP वेरीफाई कर लेना है। OTP वेरीफाई करने के बाद आपके पास ये सेकंड पेज आएगा, सेकंड पेज में आप लोगों को आपका आधार नंबर और उसके टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे भी आपको OTP वेरीफाई कर लेना है।
जो तीसरा स्टेप है जिसमें आप लोगों को ओटीपी वेरीफाई करना है आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर के साथ, और आपके सिटी स्टेट और पिन कोड का डिटेल्स आपको दे देना है। ओके, तो इतना यहाँ पे तीन स्टेप दिया है। अभी हम बाकी के आगे के चार और पांच स्टेप जानेंगे जिसमें आप लोगों को एंटर आपके सिक्स यानी आपके पास जो लास्ट वाला क्रेडिट कार्ड है, जो ओल्ड क्रेडिट कार्ड है, उसके आप लोगों को छः डिजिट डालने हैं जो पहले वाले। ओके, तो उसके छः डिजिट डालने के बाद आप लोगों को आपके बैंक के डिटेल्स है वो डालना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप लोगों को ये यूज बैंक के जो कंप्रेसिव और एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड आपके जो फीचर्स रहेगी वो आप लोगों को यहाँ पे कंपेयर करने को बोला जाएगा जो आप लोगों के पास पुराने क्रेडिट कार्ड है। ओके, तो उसके बाद जो फिफ्थ वाला प्रोसेस है जिसमें आप लोगों को वाइस विच क्रेडिट कार्ड। ओके, तो क्यों करना है ये सारी चीज़ें दिखाई है यहाँ पे। आप लोगों को आपके क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करना है, कौन से वेरिएंट में आप लोग अप्लाई कर रहे हो, वो करने के बाद आप लोगों को प्रोसीड कर देना है। ओके, प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपके फीस और उसके बाकी की चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस में आप देख सकते हो अपलोड आपको डॉक्यूमेंट्स, आपको जो वीडियो केवाईसी के लिए लगेगा वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करना है, यानी आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट करनी है। और नाउ एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, विल बी अपडेटेड विद इन 3 working days। ओके, इसके बाद आपका एप्लीकेशन सिंपल सा एप्लीकेशन का प्रोसेस था जो सबमिटेड हो जाएगा और आप लोगों के यहाँ पे 3 दिन के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। तो आपका जैसे क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है तो 3 दिन के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को क्रेडिट कार्ड दिया गया है कि नहीं दिया गया। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे।